छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जंगली भालुओं की ईश्वर के प्रति भक्ति देखती ही बनती है। जिले के बागबहारा तहसील मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीचों बीच माँ चंडी देवी का एक भव्य मंदिर स्थित है। इस देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ भालुओं का भी पूरा परिवार दर्शन के लिए पहुँचता है। चंडी देवी मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। माता के दरबार में पहुंचने वाले भालू परिवार के 4 भक्तों को जब देखते हैं तो सबकी सांसें थम जाती हैं। मैं पिछले 2 साल से यहाँ आ रही हूँ माता के मंदिर में, और बहुत बढ़िया दर्शन होता है। मैं पिछले साल आई थी तो भालुओं का दर्शन बहुत अच्छा, मैं अपने आप से खिलाई थी उनको। इसी मन्नत से मैं सोची थी कि मैं जब भी आऊंगी इस रूट पे मैं माता के दर्शन करने जरूर आऊंगी। माता हर की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ मंदिर का दर्शन किए और भालू भी देखे, भालू को हम लोग फ्रूटी भी पिलाए हैं, प्रसाद भी खिलाए हैं, बहुत अच्छा लगा। और मंदिर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। प्रतीत है कि जो हैबिटेट है उस पहाड़ी के चारों तरफ जो भालू का रहवास क्षेत्र है वहाँ पे भालू प्रायः उनका कुछ खाने के लिए उनका भोजन वहाँ पे निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं जो देते रहते हैं उन लोग खाने के लिए, इसलिए उन लोग आते रहते हैं वहाँ पे। देश भर में इन दिनों नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं नवरात्रि को लेकर अपनी विशेष पहचान बना चुके जांजगीर जिले में हर साल की तरह इस बार भी कुछ अलग और भव्य देखने को मिल रहा है। जांजगीर के नैला में विराजी माँ दुर्गा का अलौकिक रूप और भव्य पंडाल देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। नैला के श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति द्वारा इस मरतबा गुजरात के प्रसिद्ध देवी माँ अम्बा देवी के मंदिर का स्वरूप देखकर श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आयोजन समिति द्वारा बताया गया है कि हर साल समिति द्वारा नवरात्रि की तैयारियां 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। देश भर से प्रसिद्ध कलाकारों को माँ दुर्गा की प्रतिमा को अवलौकिक रूप देने के लिए चुनिंदा कलाकारों को प्रतिमा तैयार करने के लिए हर साल बुलाया जाता है, जो हीरे मोती सोने चांदी नवरत्नों से माँ दुर्गा का श्रृंगार करते हैं। गुजरात के जो सर्व मतलब पूरे प्रसिद्ध है अम्बा जी के मंदिर के थीम पे बना हुआ है मंदिर। आज पहली बार आए हैं हम लोग देखने, यहीं के निवासी हैं तो हम लोग पूरा 9 दिन आते हैं और पूरा मेला जैसा यहाँ लगा रहता है। विशेषता ये है कि झांकियाँ यहाँ की जो बहुत मन को भाती है, इसमें बेसिकली कलकत्ता से, रायगढ़ से, बॉम्बे से, भारत के अलग अलग कोने में जो जो चीजें जहाँ जहाँ की प्रसिद्ध है, बम्बई की लाइट है, कलकत्ता की झांकी है, तो जहाँ जहाँ की जो जो चीजें प्रसिद्ध है वहाँ से चुन चुन करके लाया जाता है। राजस्थानी लहंगे में माता का विशाल रूप प्रदर्शित किया था और इस साल हमने 100 फुट के विशाल रथ में माता जी बैठी है जिसमें भगवान शंकर जी सारथी के रूप में विराजमान है। और बाहर में आप देख रहे हैं गुजरात का जो प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर है उसका प्रतिबिंब में हमने वहाँ पे मॉडल बनाया है। राजगढ़ में नवरात्रि के मौके पर कलेक्टर निधि निवेदिता माँ जालपा के मंदिर पहुंची। इस मौके पर 8 महिला अधिकारियों ने मां जालपा की पूजा अर्चना की। अधिकारी महिलाओं ने अभिषेक अनुष्ठान भी किया, इसके साथ ही स्वर्ण आभूषणों से माता का श्रृंगार किया। महिला अधिकारियों ने मां जालपा से सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। सभी राजगढ़वासियों को दशहरे की और नवरात्रि की शुभकामना देना चाहूंगी और राजगढ़ जिला लगातार छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नवरात्रि के पावन अवसर पर शिवली नारायण स्थित माँ अन्नपूर्णा गौरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए वो पहुंचे, जहाँ माँ अन्नपूर्णा देवी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की जनता के लिए सुख समृद्धि शांति और सुखमय जीवन के आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक जिला पंचायत सीईओ भी उनके साथ मौजूद रहे। चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।